उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जनपद शाखा मथुरा का 2 वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अमित कुमार अग्रवाल जिला अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। सिराजुद्दीन कार्यकारी अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित। नेत्रपाल राजुरिया वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। शैलेन्द्र कुमार शर्मा उपाध्यक्ष निर्वाचित। मोहम्मद सिद्दीकी जिला मंत्री निर्वाचित। श्रीमती नितेश कुशवाहा संयुक्त मंत्री निर्विरोध निर्वाचित। जसवंत सिंह संगठन मंत्री बने। आरती रानी संगठन मंत्री बनी। मोहित कुमार सिंह कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। विनोद कुमार सिंह संप्रेक्षक निर्वाचित। हाकिम सिंह संरक्षक बने। रमेश चंद्र संरक्षक बने। 20 जनवरी को हुए चुनाव में के आर मीणा मुख्य चुनाव अधिकारी, आनंद भूषण गौतम, अमित यादव चुनाव अधिकारी की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की देखिए खास रिपोर्ट। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन लोक निर्माण विभाग का आज चुनाव हुआ है, उस पर आप चुनाव अधिकारी हैं, तो इस पर ये निर्विरोध चुनाव हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? आज दिनांक 20 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन लोक निर्माण विभाग जनपद मथुरा शाखा का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 12 पद थे और सभी पदों पर एक एक नामांकन हुआ और निर्विरोध निर्वाचित शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचित हुआ चुनाव, जिसमें हमारे अमित कुमार अग्रवाल जी सहायक वरिष्ठ सहायक जो हमारे प्रधान सहायक है निर्माण खंड के, वो जिला अध्यक्ष चुने गए और मोहम्मद सिद्दीक जिला मंत्री निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आप भी इसमें मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, आपका क्या कहना है? जो हमारे इन्होंने जो कहा है चुनाव अधिकारी ने, वो एकदम सही है। चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है, किस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। आज आपका जो चुनाव हुआ है वो आपका निर्विरोध चुनाव हुआ है या वोटिंग के माध्यम से हुआ है, बताएं? मैंने पर्चा भरा था और मेरे अगेंस्ट में किसी अन्य सदस्य ने पर्चा नहीं भरा है, इसलिए निर्विरोध चुनाव हुआ है और मैं मेरे समक्ष कोई दूसरा मेरे अगेंस्ट नहीं आया है, इसलिए मैं अन्य सभी सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया भी कुछ अदा करता हूँ। नहीं, वोटिंग हुई थी या निर्विरोध हुआ? निर्विरोध हुआ है। ऐसा तो नहीं कोई दबाव रहा हो? नहीं, कोई दबाव नहीं रहा, सभी के लिए ओपन मंच था, सभी को पूरा टाइम मिला पर्चा भरने के लिए। चुनाव प्रक्रिया जो हुई थी वो पूरी तरीके से सही थी? हाँ, पूरी सही थी। सभी लोगों के लिए विज्ञप्ति जारी करके पूरा समय दिया गया सोचने विचारने के लिए, सभी को पूरा मौका मिला था। अच्छा, एक बात तो आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा कि कुछ लोग जो है थोड़े रुष्ट नजर आ रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? ये एक कार्यालय की व्यवस्था रहती है कि भाई बहुत बड़ा स्टाफ है और इतने स्टाफ में 100% सभी लोगों को संतुष्ट कर पाना और सभी की अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाना संभव नहीं हो पाता है, चाहे वो एक्सियन हो चाहे कोई भी हो। तो चुनाव में जो है कुछ लोग चाहते हैं कि हम बने और जो चाहते थे कि जो है हम लोगों को निर्विरोध बना दिया जाए, हम लोग अकेले में ही अपना 2-4 लोग निर्विरोध होके जो है चुनाव जीत जाएं और एज इट इज बने रहें, वही लोग रुष्ट थे। बाकी पूरा ऑफिस जो साथ था, जो चाहता था कि जो है हमारी वोटिंग से हो या हमारी सहमति से हो, वो सभी लोग हमारे साथ। अच्छा, आप किस पद पर निर्वाचित हुए? मैं जिला अध्यक्ष के पद पर। पूरा अपना बताइए। जिला अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन मथुरा लोक निर्माण विभाग मथुरा। आप किस पद पर निर्वाचित हुए? मैं मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के जिला मंत्री के पद पर, मथुरा के पद पर जो निर्वाचित हुआ हूँ, निर्विरोध मेरा निर्वाचन हुआ। मेरे अगेंस्ट कोई भी जो है साथी हमारे नहीं आए, इसीलिए जो है मेरा स्वयं का अकेले का पर्चा था, जो कि मैं निर्विरोध चुना गया।